आदाब नाजरीन, स्वागत है आप सभी का जेके प्रेस मीडिया में और मैं हूँ आपके साथ जसलीन कौर। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में दो नए कोविड मौतें, जिनमें 151 ताज़ा मामले दर्ज किए गए। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोकने का सरकार को कोई आदेश नहीं दिया जाता है। जम्मू कश्मीर को GMC जिला अस्पतालों में 140 और DNB सीटें मिली। JKSSB ने SI पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई। केंद्र ने राज्यों को बताया, ओमिक्रॉन हमलों का इलाज बेवाल, निर्दिष्ट कोविड सुविधाओं में किया जाना चाहिए। हैदरपुरा में सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण पर बैठा अधिकारी। सोपोर में रेड़ी पटरी वालों का हुआ प्रदर्शन। रजौरी पुलिस ने ईमानदारी के काम से जीता सबका दिल। जम्मू कश्मीर सरकार लद्दाख से 26 पूर्व विधायकों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन की प्रतिपूर्ति करेगी। हज 2022 के लिए प्रशासकों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। बादल फट हुंजर गांव के विस्थापित परिवारों को अपने घरों का पुनर्निर्माण करने का है इंतजार। MDJ के RLM ने टिकाऊ खेती पर 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कश्मीर में शीतलहर जारी, श्रीनगर 0 से 2.1 डिग्री सेल्सियस नीचे जम गया। शौर्य चक्र से सम्मानित वरुण सिंह भी एक रात बची, अगले 24 घंटे गंभीर। कश्मीर से पंजाब जा रही नशे की खेप हुई बरामद, शीशे की ढलाई की आड़ हो रही थी तस्करी। छनी रामा की लैंड नंबर 1 माइक्रो कंटेनमेंट जोन हुआ घोषित। ICTI का पेट्रोल खुलते ही पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए नए कोर्स शुरू। NBMS ने PG पाठ्यक्रमों के लिए 14 और सीटों को मंजूरी प्रदान की। जम्मू यूनिवर्सिटी के नई VC के लिए बनी सर्च कमेटी, प्रोफेसर ग्रोवर होंगे सर्च कमेटी के चेयरमैन। तो ये थी हमारी आज दिन की खबरों की तफसीलात। आप जुड़े रहिए JK प्रेस मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।